After the plot to derail the Kalindi Express near Kanpur, a second similar derailment attempt has been thwarted by an alert loco pilot in Ajmer in Rajasthan. And this is the second such sinister attempt in the last 24 hours itself. In Ajmer, 70 kg cement blocks were found placed on the railway tracks at two different locations between Saradhana and Bangar village. The goods train that was traveling from Phulera to Ahmedabad encountered these heavy cement blocks, but thankfully managed to break through them while continuing its journey without any accidents. Following the incident, the train driver promptly informed the Railway Protection Force. The RPF then arrived on the scene to investigate, and they found remnants of the cement blocks placed on the tracks. An FIR has been filed and an investigation has been launched to nab the culprits behind this dangerous conspiracy. The cops have intensified investigation, probing every possible angle. And Times Now spoke to Kanpur Police Commissioner Akhil Kumar. अपडेट ये है कि हम लोगों ने घटना में FIR कर ली है, हमारे रेलवे अथॉरिटीज ने FIR करा ली है और हम लोगों ने विशेष टीमें गठित की गई हैं। जो क्लूज मिले हैं उसको हम फर्दर लीड को आगे बढ़ाएं और जो घटना के पीछे जो व्यक्ति है वहां पहुंच सके। हम सारे एंगल्स ओपन रखते हैं, अभी कंक्लूसिवली किसी चीज को कहना प्रीमैच्योर होगा। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे ऑप्शंस ओपन रखिए, उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने ये चीज को किया। एग्जैक्टली जब तक मिल नहीं जाता तभी आप कुछ कंक्लूसिवली कह सकते हैं। Now remember, there are two incidents, one in Kanpur, another one in Ajmer, within 24 hours. But thankfully, because of the alertness of the loco pilots, these train tragedies were averted. Let's in fact go across to our reporters. We have Vinod joining us from the Kanpur incident site and Bhavan is joining us from Ajmer. Let's first go across to Vinod. Vinod, the jo reaction aa raha tha Kanpur ke commissioner Akhil Kumar ka, wo keh rahe ki hum kisi bhi angle ko chhod nahi rahe hain, har angle mein jaanch ho rahi hai. Kuch reports ye bhi suggest kar rahe hain ki ye ek saazish ka hissa na ho kahin. हाँ बिल्कुल, टेरर एंगल है, एक कॉन्स्पिरेसी है और ये कम से कम अथॉरिटीज ऑफ द रिकॉर्ड मान इस बात को मान रही है। लेकिन मैं इस वक्त जहां पे हूं, एक बार आपको उस जगह पे ले चलता हूं। ये बेसिकली पुलिस कल से ही लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपनी, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक एजेंसी तक पहुंची है जो इंडियन गैस एजेंसी है। और यहां से कहा जा रहा कि चूंकि गैस सिलेंडर जो रखा गया था वो इंडियन कंपनी का गैस सिलेंडर था और इसीलिए जो एजेंसीज है वो इंडियन गैस सिलेंडर की जो है वो जांच कर रही है कि क्या इन तीन चार दिनों में कितने लोगों ने सिलेंडर्स बुक किए, कितने लोगों ने सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई है और वो सिलेंडर्स कहाँ कहाँ गए हैं। बाकायदा जो तीन दिनों की लिस्ट है वो लिस्ट भी एजेंसीज ने ली है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि पता चल सके कि जो सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था बेसिकली उसको कहां से लिया गया और किन किन लोगों के घरों में डिलीवरी हुई। तो पिछले 7 तारीख से लेकर अब तक कल तक जो डिलीवरी हुई है, कल सुबह तक की, उन सब की परसों शाम तक की, उन सब की डिटेल्स जो है वो अथॉरिटीज ने ली है। और पुलिस की टीम जो है कुछ देर पहले यहां पहुंची थी, उन्होंने बाकायदा पूछताछ की है कि कौन कौन से लोग किन किन इलाकों में जो है वो इंडियन की सप्लाई लेते हैं और उनके नाम की लिस्ट बाकायदा जो है वो लेकर गई है ताकि पता लगा सके कि क्या जो सिलेंडर स्पॉट पे था वो डिलीवरी किसको हुई थी, क्या वो किसी ने डिलीवरी से मंगाई थी या नहीं। तो ये फैक्ट जांच कर रही है, तमाम एस्पेक्ट पूरे केस के हैं। लेकिन जो आप कुछ देर पहले जो बकायदा डीजी रेलवे जो है वो भी पहुंचे थे मौके पर, डीजी सीआरपीएफ जो आरपीएफ जो है वो भी मौके पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पुलिस की जब तमाम जो पुलिस की तमाम एजेंसी है जिसमें यूपी एटीएस और एसटीएफ है वो भी इस पूरे मामले में जांच में मदद कर रही है। 6 टीमें हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रैक पर भी आज सुबह अधिकारी पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने आसपास के जो खेत है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि अगर कोई सुराग और मिल सके, कोई और सबूत मिल सके। क्योंकि मानना यह है कि जो लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है या जो कॉन्स्पिरेसी की है वो बहुत देर तक उस इलाके में रहे होंगे, उसकी बकायदा रेकी की होगी, कोई लोकल का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ये तमाम पहलू है, तमाम एस्पेक्ट्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन के, जिसके लिए टीम जो है लगातार जांच कर रही है। बकायदा एक कैंप बना दिया गया है जहां पे तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं और वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अब तक की जा चुकी है, 10 से 12 लोगों को डिटेन किया गया है। कहा जा रहा है कि तमाम जो हिस्ट्रीटर इस इलाके में रहते थे खासतौर पर उनकी पहचान की जा रही है कि वो अभी कहाँ पे हैं, जो भी एब्सकॉन्डिंग्स हैं उनकी तलाश की जा रही है ताकि उन तक पहुंच के इस पूरे मामले के तार को आपस में जोड़ा जा सके। तो दो एंगल है, एक तो टेरर एंगल की बात तो उसकी जांच हो रही है, दूसरा लोकल इन्वॉल्वमेंट अगर कोई है तो उसकी पहचान भी जरूरी है। इसीलिए पुलिस और जो जांच एजेंसीज हैं वो लोकल इन्वॉल्वमेंट पर ही फोकस कर रही है।
जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भंवर भी है राजस्थान से, अजमेर से, जहां पर ये दूसरा वाकया रिपोर्ट हुआ है। भंवर, अगर आप मुझे सुन पा रहे, वहां पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो ट्रैक है और इसी ट्रैक के ऊपर वो सीमेंट के जो ब्लॉक्स थे वो मिले थे। और अधिकारी देखिए यहां पर मौजूद हैं, रेलवे के और राजस्थान पुलिस दोनों के अधिकारी यहां पर आए हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां, ये देखिए ब्लॉक भी मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर रखा गया था। ये देखिए, ये यहाँ तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लॉक जो है कितनी बड़ी साइज है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ ब्लॉक है। ट्रेन से टकराती है और आगे निकल जाती है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, ये इसको हिला भी नहीं सकते, इतना भारी ये है यहाँ पर। और जो अधिकारी उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, सर ये किस तरीके का ब्लॉकेज मिला है और क्या ट्रैक ट्रैक पर मिला? ये सैटरडे और संडे और मंडे की इंटीवनिंग नाइट को ये दो इंसिडेंट हुए हैं। एक अप ट्रेन और एक डाउन ट्रेन थी, दोनों में एक 10:30 के लगभग और एक 12 बजे के लगभग ये दो घटनाएं हुई, जिनमें कि फिर जो रेलवे का जो लोको पायलट था उसने रेलवे अथॉरिटीज़ को सूचना दी और फिर अगले दिन रेलवे अथॉरिटीज़ ने पुलिस को सूचना दी। तो इस संबंध में जो भी उन्होंने बताया उसके आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और एक SIT का भी गठन किया गया है और उस गठन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा है, किसने किया होगा? देखिए, प्रथम दृष्टया ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक भारी है, तो निश्चित रूप से इसमें हो सकता है दो तीन लोगों का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के आधार पर हम उनको SIT बना के चिन्हित कर रहे हैं और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे डिप्टी SP दीपक कुमार और हमारे साथ RPF के भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके का ये पूरा मिला है, ब्लॉक मिला है, एक आदमी इसको उठा नहीं सकता है, लगता है ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल, हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये ऊपर इस MIB के ऊपर है जो एयरमार्क के तौर पे रखा हुआ जाता है और इसको रखना जरूरी रहता है ताकि लोको पायलट इसको देख कर पहचान सकता है कि किस जगह ये क्या लोकेशन है। इस वजह से एयरमार्क के तौर पे रखा जाता है। इसको नीचे गिराया गया है, दोनों तरफ के ये रहते हैं, तो एक तो यहाँ पे गिराया गया है, एक यहीं से 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है और दो इंसिडेंट हुए हैं ये तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में। तो किसी ने जानबूझ के ही इनको गिराया है। एक ही ट्रैक पर दो अलग अलग ट्रैक जा रहे हैं, एक दोनों, पर, दोनों पर किया गया, दोनों अलग अलग ट्रैक के ऊपर गिराया गया है। इससे के ऊपर पहले उस अप ये वो वाला हमारा ये अप ट्रैक है जिसके ऊपर हुआ था और दूसरा ये डाउन ट्रैक है इसके ऊपर रखा है, तो दोनों ट्रेनों से ये हिट किया है। आपको लगता है जिस तरीके से पूरे देश भर में ये सब चल रहा है, क्योंकि और भी कई जगह इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, क्या कोई आतंकी घटना गतिविधि को अंजाम देना चाहता था, मंसूबे ठीक नहीं थे? सर, ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी, जैसे कि अधिकारियों ने कहा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही ट्रैक है जिस ट्रैक के ऊपर ये दोनों ब्लॉक रखे गए थे, अलग अलग जो ट्रैक है उनके ऊपर ये सब रखा गया था। जी विनोद और भंवर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दिस पार्ट ऑफ अ प्लॉट टू डीरेल द ट्रेन्स, इज दिस पार्ट ऑफ अ लार्जर कंस्पिरेसी? लेट्स टेक अ लुक एट सच सिमिलर इंसिडेंट्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड इन 2024 इटसेल्फ। हियर ऑन द बिग स्क्रीन, लेट्स प्ले आउट द डिटेल्स ऑफ व्हाई दीस क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड, ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस दैट सजेस्ट दैट देयर कुड बी एन अटेम्प्ट बिहाइंड दिस टू डीरेल द ट्रेन्स। दिस कुड बी पार्ट ऑफ अ लार्जर कंस्पिरेसी एज इज बीइंग अलेज्ड। नाउ यू हर्ड द कमिश्नर ऑफ कानपुर ऑल्सो सेइंग दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग ईच एंड एवरी एंगल। This is what happened. Let's take a look at 29th August 2024. Cement slab was placed on the railway track. Not just that, another incident. This is from Jodhpur. Jodhpur bound Vande Bharat train had to face this situation. There was a bid to derail the Vande Bharat Express on the 29th of August 2024. And a cement slab was found on the track. Then let's talk about the Ahmedabad bound Sabarmati Express. What happened on the 22nd of August? 22 coaches derailed near Govindpuri station. So this could not be averted. 22 coaches derailed near the Govindpuri station on the 22nd of August. The passenger train derailed, no injuries. Thankfully, no injuries were reported. Nobody was hurt. FIR was filed against unknown persons for sabotage. So another incident that happens on the 22nd of August. A piece of rail deliberately was placed on the track.
Multiple such incidents have come to fore just this year in 2024 itself. Then on the 23rd of August 2022, we're talking here about the Farukhabad Express. A major train tragedy was averted in Farukhabad. Let's tell you what happened in Farukhabad as far as this incident is concerned. A wooden log was placed on the railway track. So from everything to a cement slab to wooden log to a piece of rail was found on the railway track. Two men were arrested for attempting to derail the train. This happened on the 23rd of August, 2024. Let's move on. Let's tell you more about it. Train was plying between Kasganj and Farukhabad. That's when this incident happened. Let's now focus on the 6th of October, 2023. So this is about 2023 now, how such incidents have taken place last year as well. Pune-Mumbai railway track. Major train accident averted in Maharashtra. What was found in the investigation? There were boulders on tracks between Akurdi and Chinchwad. Stones were placed by miscreants that were spotted on time, thankfully because of the alertness of the loco pilot. Railway said mischievous elements tried to derail the train. So who's behind it? Is this part of a larger conspiracy? Is a question that many are asking now. Let's focus on 19 December 2023. We're talking here about the Gotaj railway station. Goods train in Gujarat was damaged. What was the reason behind it? The incident was reported on the Ahmedabad-Vadodara route on the 19th of December 2023. Miscreants placed stones on the railway tracks. Was this again an attempt to derail the train? Who was behind it? Was this part of a larger conspiracy? Two stones were placed near the Gotaj station that damaged the goods train. Let's focus now on 28th August 2023. We're talking here about the Itola station in Vadodara. Metal fence was placed on railway tracks that led to another incident taking place on the 28th of August 2023. Catastrophic incident was averted by the alert railway official. So thankfully, it has not caused a major tragedy. But imagine if a train tragedy happened because of these incidents, how many lives would have been lost? How many people would have suffered and would have been injured? And that's why the big question that we are asking, and many in fact in the country are asking, who are stumbling upon such reports, is this all part of a larger conspiracy? Now, the agencies will have to find out whether or not this is part of a conspiracy to derail and to cause damage. With that, we're slipping into a short break. News and updates will continue.